Mr. Raghav. और मुझे मेडल मिलना चाहिए आपको ढूंढ निकालने के लिए. मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ खरीदना नहीं है. सॉरी. नहीं, मैं कुछ बेच नहीं रही. थैंक यू. शोभा, एनजीओ चलाते हो प्रयास? हम लोग जेल के कैदियों की रिहैबिलिटेशन करने का काम करते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ लायक की वजह से आई हूँ. लायक डोंगेकर, स्टमक कैंसर है उसे. मैक्सिमम एक साल बचा है उसके पास. अच्छा. उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा किया जा सकता है. ट्रीटमेंट ले सकता है वो. अपनी बची हुई जिंदगी इज्जत से जी सकता है. अगर तुम उसे माफी ना दे दो तो. दर्द हो रहा है उसे? एक्सक्यूज मी. दर्द, पेन अभी तो नहीं, लेकिन कीमो शुरू हो गया है. 15 साल पहले उसे चौराहे पे लटका देना चाहिए था. पर ये भी ठीक है, धीरे धीरे मरेगा. एक्चुअली आप यहाँ तक आई मुझे न्यूज़ देने के लिए, सो थैंक यू. मिस शोभा. शोभा, आई फील लाइक सेलिब्रेटिंग टुडे. शायद मैं आज चाइनीज मंगाऊँ. राघव लाइक पिछले 15 साल से जेल के अंदर है. बीमार है, मर रहा है, और वो चाहता है जेल के बाहर मरे, अपने घर में अपनी माँ के पास. और उसकी आखिरी रिक्वेस्ट सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो. सो प्लीज़ माफ कर दो उसे. आपके बच्चे हैं शोभा? एक बेटी है नताशा, 4th स्टैंडर्ड में है. अगर लायक जैसा कोई आदमी आपकी नताशा को उठा ले, मार दे उसे, और आपको उसका मुर्दा शरीर किसी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में देखना पड़े, चीर फाड़ के रखा हुआ, आप माफ कर देंगी उस आदमी को क्योंकि 15 साल गुजर गए? मैं नहीं चाहती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जेल में रहकर लोग बदल जाते हैं. एक बार मिल लो उससे, खुद देख लो, आप फिर डिसाइड कर लो. मैं उसकी रिपोर्ट्स लाई हूँ. आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल दीस थिंग्स. गुड नाइट. कार्ड रखा. अगर डिसीजन बदले तो फोन कर दो. आगे ओवरब्रिज पर ध्यान से जाइएगा, बारिश का मौसम है, धुंध जम जाती है. तुम लाइक की मदद करो या ना करो, उससे तो 1 साल में रिहाई मिल ही जाएगी. ये भगवान का फैसला है. लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे इस घर में तुम्हारी पत्नी और बच्ची की तस्वीर तक नहीं है. तुम तो खुद अपनी जेल में कैद हो. हाय शोभा. लेट हो, फिर माफ किया. कम. तो ये नताशा है? हाँ, हॉस्टल में पढ़ती है. कल ही गई वापस. और हस्बैंड? डिवोर्स्ड. लाइक से बात हुई थी, बहुत खुश था. अच्छा इलाज चल रहा है उसका, सब तुम्हारी वजह से. तुम्हारी वजह से? तुमने सिर्फ लायक को नहीं, मुझे भी बचा लिया. 15 साल में पहली बार मैं डेट पे हूँ. एंड आई एम हैप्पी. थैंक यू. आई एम हैप्पी टू. तुम्हें बच्चों के गेम्स ही खेलती रहती हो या कुछ और करने में इंटरेस्ट है? मेरी बेटी खेलती है तो हम लोग हमेशा 2 नए वर्ड सीखते हैं, तो इसलिए खेलते हैं. मेरे साथ खेलोगी?
New shirt. पर्दे बंद करो कि बेडरूम में चले। क्या कहा तुमने इंस्पेक्टर से? वी हैड सेक्स? मैंने बस इतना कहा कि जब मैं वहां से निकला तुम सो रही थी। बैठो। क्या जरूरत थी? तुम्हें पता किस तरह के बेहुदा सवाल किए उसने मुझसे? किसी की हिम्मत नहीं मुझे। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अगर वो लोग सवाल करेंगे मुझे जवाब देना पड़ेगा। I don't believe this. मुझे लगा था कुछ है हमारे बीच में। बहुत अच्छे लगे थे तुम मुझे। शायद तुम मुझे अच्छी नहीं लगी। जेल में पड़े कैदियों के लिए बहुत हमदर्दी है तुम्हें, लेकिन उनकी वजह से जिनकी जिंदगियां बर्बाद होती है उनके बारे में कभी सोचा तुमने? Used me right. शायद इंस्पेक्टर सही कह रहे हैं। शायद तुम किसी मर्डर में इन्वॉल्व्ड हो। शायद वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, फिर तुम आओगी, मेरा हाथ पकड़ोगी, मेरी तकलीफ दूर करोगी, मुझे हमदर्दी जताओगी। डॉक्टर के कैबिन में हम लोग सेक्स भी कर सकते हैं।